जय माता दी दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन को सरल और सुखदायी बनाने में ज्योतिष शास्त्र का हमेशा से अहम योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। ऐसे में हमको अपनी दिन भर की दैनिक दिनचर्या को सफल बनाने के लिए हमारे दैनिक राशिफल के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं मीन राशि वालों का 19 और 20 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल कैसे रहेंगे आपके ये आने वाले दो दिन। चलिए जानते हैं, आज आपके लिए गंभीरता से मेहनत करने का दिन है। आप काफी लंबे समय से लटक रहा एक काम संतोषजनक ढंग से पूरा करने में सफल रहेंगे। इससे आपके अवसर प्रभावित होंगे। आज आप पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की भी नजर पड़ेगी और इस बात का आपके भविष्य पर काफी प्रभाव पड़ेगा। आपको अपने खाने की ओर तुरंत ध्यान देना होगा। आप कई दिन से कुछ ज्यादा खा रहे हैं और बहुत अस्वास्थ्यकर खाना खा रहे हैं, और चाहे आपको यह अनुभव बेशक नहीं हो, लेकिन इससे आपकी सेहत काफी प्रभावित हो रही है। दरअसल आपके शरीर और मन में इकट्ठे हो रहे तनाव का मूल कारण जंक फूड है। जब तक आप अपने खाने का पैटर्न नहीं बदलते, आपकी रिलैक्सेशन की तकनीकें विशेष फायदेमंद नहीं होंगी। आपका साथी कुछ ऐसा कर सकता है जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप एक साथ खुशी बांटकर इस एहसान को वापस कर सकते हैं। आप अपने प्यार के साथ एक खुशनुमा समय व्यतीत कर सकते हैं। आप एक साथ बाहर भोजन कर सकते हैं। अपने साथी को अपने परिवार के साथ मिलाएं। आपको ये याद रखना है कि धीमा और स्थिर ही अंत में दौड़ को जीता है। कदम उठाने से पहले अपने परिवार की भाव भंगिमा को पहचाने। आपके कार्य क्षेत्र या करियर में परिवर्तन आने के संकेत हैं। अगर आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज आपके अंतिम कदम उठाने की संभावना है। हो सकता है कि आप अपना प्रशिक्षण संस्थान भी खोले, जो कि आप लंबे समय से करना चाहते थे। इस प्रक्रिया में आपको कुछ जोखिम भी लेने पड़ सकते हैं, पर ये भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से स्थितियां सुदृढ़ हो सकती हैं। आपके सगे संबंधियों से रिलेशन सामान्यतः शुभ रहेगा। धंधा या अचल संपत्ति की स्थिति बेहतर होगी। यदि आप विद्यार्थी हैं और पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी तरह की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभावना पाई जाती है। आप कोशिश करें कि किसी तरह के अनावश्यक उलझन में न पड़ें। अपने कार्य को सही दिशा देने का प्रयास करें। कार्य क्षेत्र को लेकर उतार चढ़ाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। कामकाज को विस्तार देना या किसी तरह के कार्यों को गति देना सामान्य हो सकता है। प्रेमी जन से अच्छा संबंध होने के साथ साथ अच्छा सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप अपने मन की बात शेयर करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। आपको अच्छी कामयाबी प्राप्त हो सकती है। साहस और पराक्रम में वृद्धि तो होगा ही, साथ ही साथ यदि आप नौकरी करते हैं, तो पद पोजीशन प्राप्ति में भी वृद्धि होने की संभावना पाई जाती है। आरोग्य में वृद्धि होगी और आपको पुरानी बीमारी से निजात मिलती दिख सकती है। आज अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने का समय है। कोई फैसला जो लंबे समय से लेना चाह रहे थे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, उस निर्णय को आज ले सकते हैं। आपको आज कुछ सुविधाओं का त्याग करना पड़ सकता है। शुरुआत में इससे कुछ परेशानियां हो सकती हैं, किंतु यह आपके लिए भविष्य में लाभकारी रहेगा। नए लोगों से मुलाकात होने के आसार हैं, जिनके साथ नए रिश्तों का आरंभ होगा। आज नौकरी मिलने के आसार हैं। यदि यह आपके क्षेत्र से भिन्न हो, तो भी इससे बिना सोचे विचारे जाने न दें। जिन रिश्तों में बहुत परेशानी आ रही है, उनसे आगे बढ़ जाने ही समझदारी है। सेहत में सुधार होगा। यदि किसी रोग से जूझ रहे हैं, तो जल्द ही निजात मिलेगा। आज आपके साथ कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घट सकती हैं। ऐसी कई घटना अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर घटती है या तब घटती है जिस समय आप अपने काम पर होते हैं, तो आपको बहुत सख्ती से आत्मनियंत्रण बनाए रखना होगा। न आपको जरा भी क्रोध करना है, न झुंझलाना है, न घबराना है। आज आपको किसी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क स्थापित करने का मौका मिलेगा, जो आपके व्यापार से जुड़े किसी प्रोजेक्ट में आपकी मदद करने में सक्षम है, या आपकी नौकरी के क्षेत्र में आपके किसी काम में आपकी मदद कर सकता है। दिन प्रसन्नता से बीतेगा, लेकिन आज आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा। परिवार के लोग आज किसी न किसी कारण से आपसे नाराज रह सकते हैं। मन में हावी स्वार्थ भाव पर नियंत्रण रखना होगा। आज आपकी अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ थोड़ी अनबन रहेगी। किसी मामले को लेकर बहस भी हो सकती है। आप अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें, तो सब ठीक रहेगा। आज आपकी पैसों स्थिति सामान्य ही रहेगी। मित्रों की संगति में बैठे तो काफी खर्च हो सकता है। नौकरी में आज आप सीनियर और जूनियर सभी पर झुंझलाते रहेंगे। धैर्य से काम लें, कोई जोखिम न लें। आज आपका स्वास्थ्य ठीक ठीक रहेगा। भावनात्मक तौर पर आपका मन अस्थिर बना रहेगा।
स्वास्थ्य पर मौसम का प्रभाव पड़ सकता है। सड़क पर छिटपुट चोट लग सकती है। करियर आज विद्यार्थियों को सामान्य सफलता मिलेगी और अपने कोर्स से परे किसी विषय में व्यस्त रहेंगे और आपके शिक्षक आपसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन प्लेसमेंट प्रयास में आपको सफलता मिल सकती है। आज का दिन सामाजिक प्रवृत्तियों और मित्रों के साथ की दौड़ धूप में व्यतीत होगा। इसके पीछे धन खर्च भी होगा, फिर भी सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। धन का निवेश करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। व्यापार में लाभ बढ़ेगा। नौकरी में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की रुचि रहेगी। आज किसी से विवाद हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें। काम में मन नहीं लगेगा। अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर न करें। खान पान का ध्यान रखें। आपका प्रयास सफल रहेगा। बुजुर्गों तथा पूजनीय व्यक्तियों को मिलना होगा। दूर रहने वाली संतानों के शुभ समाचार मिलेंगे। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। आय बढ़ेगी। जोखिम न लें। पर्यटन की संभावना है। अविवाहितों के लिए विवाह का योग है। अपनी सेहत की बेहतरी के लिए खान पान में सुधार करें। किसी बड़े समूह में भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी। हालांकि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, कोई चिट्ठी या ईमेल पूरे परिवार के लिए अच्छी खबर लाएगी। अपने रोमांटिक ख्यालों को हर किसी को बताने से बचें। अगर आप विदेशों में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आज का दिन अच्छा है। कुछ लोगों के लिए आकस्मिक यात्रा दौड़भाग भरी और तनावपूर्ण रहेगी। आपका अपने जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण संबंध रह सकता है। जहां तक संभव हो बात को बढ़ने न दें। ग्रह इशारा कर रहे हैं कि धार्मिक क्रियाकलापों की अधिकता हो सकती है। मसलन आप मंदिर जा सकते हैं। दान दक्षिणा भी संभव है और ध्यान धारणा का अभ्यास भी किया जा सकता है। दफ्तर में आज किसी सहकर्मी से कुछ गलत फहमी हो सकती है, जिससे आपकी काफी बहसबाजी होने की संभावना है। आपको अपने क्रोध और शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। बेहतर होगा कि आप बातचीत के द्वारा समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। दूसरों को खुश करने के लिए आपको खर्च करने से बचना होगा, नहीं तो बहुत जल्द ही आप पर कोई बड़ा वित्तीय संकट आ सकता है। आज निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। आज पैसों को लेकर जीवन साथी के साथ भी आपकी अनबन हो सकती है। नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें, बल्कि आप अपनी सोच बदलें। आप महसूस करेंगे कि चीजें आपके पक्ष में रुख कर रही हैं। आज घर पर या काम पर आपसे की गई मांगों को लेकर थकावट महसूस कर सकते हैं। आपको कुछ समय इससे बाहर निकलकर सोचना होगा और काम के लिए योजना बनानी होगी। जैसे कि आप जानते हैं, आप मुश्किल तरीके से काम करते हैं। अपने प्रिय लोगों की जरूरत के समय दिखाई ईमानदारी से आप उनके प्रिय बन जाएंगे। वे आपसे अधिक प्यार करेंगे और आपके तरफ अधिक ध्यान देंगे। एक नए व्यवसाय पर आपके द्वारा विकसित रुचि के आधार या कारणों का विश्लेषण करने की कोशिश करें। किसी को भी अच्छी तरह जानने से पहले उन पर विश्वास बही करना होगा। आपकी अच्छे और बुरे से परे सोचने और दूसरों के बारे में कुछ आश्चर्यजनक खोजने की आदत आपके लिए उन लोगों का विश्वास प्राप्त करेगी जो आपके आसपास हैं। वे आपके लिए स्नेही और विश्वसनीय होंगे। आपके लिए आज का दिन धन प्राप्ति के उद्देश्य से बेहतर रहने वाला है। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और कुछ अपने मित्रों की सहायता से भी आपको आर्थिक तौर पर मदद मिलेगी। आप अपने प्रिय के साथ अच्छे पल बिताएंगे और उनके माध्यम से आपको कोई लाभ हो सकता है, जिससे आप काफी खुश होंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए भी आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सहयोग से आप कामों में सफलता अर्जित करेंगे। काम के सिलसिले में आज आप काफी मेहनती रहेंगे और धार्मिक कामों में अच्छा खासा धन खर्च कर सकते हैं। आज ऑफिस के काम से आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। कुछ लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। इस राशि के वेब डिजाइनर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। किसी कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आ सकता है। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने की संभावना है। आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएंगे। बेलपत्र पर चंदन लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना मीन राशि वालों का 19 और 20 अप्रैल 2021 का दैनिक राशि फल। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे इस एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि आपको मिल सके हर हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।